नेक्स्ट आता है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? एक टॉप लेवल विंडो होती है जिसके अंदर टाइटल होता है और बॉर्डर होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई विंडो ओपन होता है तो उसके अंदर ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर उसका टाइटल होता है, उसका नेम होता है, और एक विंडो होता है उसका एक बॉर्डर होता है। अब उस फ्रेम जो है, फ्रेम भी अपने आप में क्या है, विंडो ही है, लेकिन ये टॉप लेवल विंडो होती है जो सबसे पहले खुलती है। अब उसका एरिया क्या होता है, उसकी साइज क्या होती है, तो जो भी उसका चारों तरफ बॉर्डर है, रेक्टेंगुलर बॉर्डर है, उसके अंदर जितना भी स्पेस है वो सब क्या होता है, उसकी साइज होती है फ्रेम की। तो फ्रेम फ्रेम क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट करती है विंडो को। इट हैज़ ए टाइटल बार, मेन्यू बार, बॉर्डर एंड रीसाइजिंग कॉर्नर्स। ठीक है, तो विंडो तो अपना रेक्टेंगुलर बॉक्स हो ही जाता है, उसके अलावा रेक्टेंगुलर बॉक्स के अलावा ऊपर टाइटल होता है, फिर उसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, कैंसिल करने के बटन्स होते हैं, बॉर्डर होता है, मेन्यूज होते हैं, तो ये सारे मिला के उस फ्रेम के अंदर आते हैं। तो फ्रेम क्या करती है, एनकैप्सुलेट करती है, जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर सारी दवाई रहती है, वैसे फ्रेम के अंदर वो सारी चीज़ें अंदर रहेगी। पैक कैनवास, कैनवास क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ब्लैंक रेक्टेंगुलर एरिया रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर हम किसी जो एप्लीकेशन है वो कुछ ड्रॉ कर सकता है। अब जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, उनके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। तो कुछ उदाहरण इस तरह से है, आपने एटीएम देखा होगा, जिसको हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी बोलते हैं। तो एटीएम के अंदर क्या होता है, वो जीयूआई बेस्ड होता है, आपको कोई कमांड नहीं लिखना है कि कितने पैसे निकालने हैं, उसके लिए कुछ कमांड लिखना हो, पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, आप बटन के थ्रू सेलेक्ट करो या टच स्क्रीन करो और आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ कमांड। कंप्यूटर एंड मोबाइल में जो गेम्स आप खेलते हो वो पूरी तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। मोबाइल एप्लीकेशंस है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आजकल तो सब चीज़ें जीयूआई बेस्ड आ रही है। इवन मतलब मोबाइल कंप्यूटर के अलावा भी हम जो दूसरी चीज़ें यूज करते हैं उनमें भी एक छोटी सी स्क्रीन आने लग गई है और उसमें टच स्क्रीन आता है और वो पूरा जीयूआई होता है। लेकिन पहले क्या होता कि उसके अंदर 10-15 बटन आते थे। अब टीवी देख लीजिए, टीवी के अंदर पहले चैनल चेंज करने के लिए भी एक रेगुलेटर हुआ करता था, फिर वॉल्यूम के लिए अलग से बटन्स होते हैं और हर चीज़ के लिए अलग अलग बटन थे, उसमें जीयूआई बेस्ड नहीं था। अभी पूरी तरह से जीयूआई बेस्ड आ रहा है, आप विंडो के अंदर विंडो खुलते जाते हैं, ऑप्शन खुलते जाते हैं और आप एक रिमोट में लिमिटेड बटन्स की हेल्प से भी सारा काम कर सकते हो। अब जीयूआई के सीयूआई के ऊपर क्या एडवांटेज, जीयूआई है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो सीयूआई में जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट में काम किया होगा, वहाँ पर हमें कमांड्स लिखने होते हैं, तो कैरेक्टर बेस्ड होता है। तो पहले सीयूआई चला करता था, लेकिन आजकल जीयूआई पर शिफ्ट हो चुके हैं सारे सिस्टम्स। यहाँ तक कि आपने देखा वो गाड़ियों के अंदर, गाड़ी के अंदर भी जीयूआई आने लग गया आजकल। तो जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो हमें प्रोवाइड करता है ग्राफिकल आइकन्स, जिनकी हेल्प से एक यूजर है वो इंटरेक्ट कर सकता है मशीन से। वहीं पर हम देखें तो सीयूआई में क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, वो ऑफर करता है सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। जीयूआई है वो एप्लीकेशन को मोर एंटरटेनिंग बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है, लेकिन सीयूआई है उसमें थोड़ा बोरिंग रहता है काम, हमें हर चीज़ याद रखनी होती है। जीयूआई ऑफर करता है क्लिक एंड एग्जीक्यूट एनवायरनमेंट, जबकि सीयूआई है वो हर एक बार हमें कुछ कमांड है वो एंटर करना पड़ेगा किसी टास्क के लिए। कोई भी नया यूजर है वो सीखने के लिए, कुछ भी नया यूजर है उसको पहली बार कोई मशीन चलानी है, तो जीयूआई है उसको यूज करते हुए वो बहुत ही जल्दी उस मशीन को ऑपरेट करने लग जाता है।
लेकिन अगर देखे तो CUI देखे तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। GUI में लॉट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं फाइल सिस्टम के एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि CUI के अंदर हमें कमांड्स यूज करने पड़ेंगे और उनको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है उनको याद रखना। विंडो का जो कंसेप्ट है GUI में, वो एक यूज़र को अलाउ करता है कि वो देख सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है मल्टीपल एप्लीकेशंस को एट वंस। इसका मतलब मल्टीटास्किंग कर सकता है, वाइल CUI यूजर कैन कंट्रोल वन टास्क एट ए टाइम। CUI में एक बार में एक ही टास्क कंट्रोल कर सकता है। GUI प्रोवाइड्स मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट सो एज द CUI आल्सो डज, बट CUI डज नॉट प्रोवाइड सेम ईज एज द GUI। तो CUI में भी मल्टीटास्किंग होती है लेकिन उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं जितने GUI में। अब GUI में आप काम कर रहे हैं MS Word के अंदर और साथ में आपने सॉन्ग्स प्ले कर रखे हैं, गाने चल रहे हैं, आपको टाइप करते थे बीच में अगर दूसरा गाना चलाना है तो आप जल्दी से जाके वहाँ पर आपको दिख जाएगी लिस्ट और वहाँ पर क्लिक करते ही गाना दूसरा प्ले हो जाएगा। वही काम अगर मान लीजिए CUI में कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, तो अगर आपको कमांड लगाना है तो आप कमांड लगाओगे, किसी गाने को पहले सर्च करोगे, उसके बाद में सर्च करके उसको कमांड के थ्रू प्ले करोगे, तो उतनी आसान नहीं होता है उसके अंदर मल्टीटास्किंग। GUI को यूज़ करते हुए बहुत ही आसान होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना और नेविगेट करना। वहीं हम कमांड यूज़र इंटरफेस में देखें तो ये बहुत स्लो हो जाता है। GUI है उसको आसानी से कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। अब यूज़र इंटरफेस होता है उसके अंदर मेनली है वो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स, तो ये क्या होते हैं कि कोर विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज़र देख सकता है और उनके साथ इंटरेक्ट करता है, वही जो हमने अभी तक देखे हैं जो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स देखे हैं। फिर एक होता है लेआउट। लेआउट का मतलब हमारे पास बटन्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, सब कुछ है, लेकिन उनको जमाना कैसे, उनको ऑर्गेनाइज वे में जमाना होता है हमें, जिससे हमारी जो लुक एंड फील है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे आपने देखा होगा आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या आप फेसबुक ओपन करते हो, व्हाट्सएप ओपन करते हो, तो कितना ऑर्गेनाइज वे में आपको सब कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी बटन कहीं पर भी ऊपर नीचे लगाया हुआ है, दाएं बाएं लगाया हुआ है, बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है। तो वो एक लेआउट हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें इसकी लेआउट बनानी है, इनकी मेन्यूज की, सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी। बिहेवियर क्या होगा, तो बिहेवियर होता है वो हम कंट्रोल करते हैं इवेंट्स के द्वारा। तो जब यूजर किसी भी एलिमेंट पर, कंपोनेंट पर क्लिक करता है या कुछ उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, तो एक इवेंट जनरेट होती है और इस इवेंट के थ्रू ही हम यूज़र को एक रेस्पॉन्स जो वो देखना चाहता है उसके थ्रू, कंपोनेंट के थ्रू, वो हम डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ हायरार्किकल चार्ट बना रखा है हमने। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, कंटेनर और दूसरी जो सिंपल है बटन है, टेक्स्ट है, लिस्ट है, ये वाले। कंटेनर का मतलब ये होता है कि कंटेनर में दूसरे कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। तो कंटेनर के अंदर दो टाइप के होते हैं मेनली, विंडो और पैनल। और विंडो के अंदर आता है फ्रेम, पैनल के अंदर आता है लेआउट पैनल्स। तो हर एक जो AWT कंट्रोल है वो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज फ्रॉम कंपोनेंट क्लास, सबसे टॉप पर कंपोनेंट क्लास होती है। अब कंपोनेंट क्या होता है ये हम देख चुके हैं। कंपोनेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास फॉर GUI कंट्रोल्स एंड इट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सुपर क्लास होती है, मतलब जो भी नीचे जो क्लासेज होगी वो सब क्या होगी, इनकी चाइल्ड क्लासेज होगी। तो यहाँ पर नीचे हम एक लिस्ट देखने वाले हैं जिसके अंदर हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं कंट्रोल्स, जिनसे हम GUI डिज़ाइन करते हैं और AWT को यूज करते हैं। लेबल, लेबल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है,
ये भी एक कंपोनेंट ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट को प्लेस करते हैं किसी कंटेनर में, इसमें टेक्स्ट को प्लेस करते हैं किसी कंटेनर में। लेबल इज अ पैसिव कंट्रोल बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी इवेंट व्हेन एक्सेस्ड बाय द यूजर। ये इसको क्या बोलते हैं, दो तरह के कंट्रोल हो गए, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब उससे कुछ ना कुछ इवेंट जनरेट होगी, जबकि पैसिव के अंदर उससे कोई इवेंट जनरेट नहीं होते। तो ये पैसिव टाइप का कंट्रोल है लेबल। लेबल कंट्रोल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेबल। लेबल क्लास होती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ए लेबल डिस्प्ले ए सिंगल लाइन ऑफ रीड ओनली टेक्स्ट। तो लेबल में क्या होता है, एक सिंगल लाइन डिस्प्ले होती है जो कि रीड ओनली होती है। हाउएवर द टेक्स्ट कैन बी चेंज्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर बट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द एंड यूजर इन एनी वे। तो जो प्रोग्रामर है वो तो चेंज कर सकता है लेबल को, लेकिन लेबल के टेक्स्ट को चेंज कर सकता है, लेकिन एंड यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता। एंड यूजर सिर्फ उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। तो वहाँ से अब देखिए, इवेंट कौन जनरेट करता है, एंड यूजर। एंड यूजर करता है ना, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप एंड यूजर हो, तो वहाँ पर बटन्स वगैरह दे रखे हैं तो आप उनको क्लिक कर सकते हो। लेकिन जैसे व्हाट्सएप पर ऊपर नाम लिखा हुआ रहा है व्हाट्सएप, या उसमें सेटिंग, ठीक है, जो नाम्स लिखे हुए हैं, लेबल लिखे हुए हैं, तो उन लेबल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, और ना ही उनसे कोई इवेंट जनरेट होती है, वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है। अब कैसे इसमें क्लास को डिक्लेयर करते हैं, हम क्लास का हमें पता है हम पब्लिक रखेंगे, पब्लिक क्लास लेबल। और लेबल क्लास किसको एक्सटेंड करती है, कंपोनेंट को, क्योंकि हमने बोला कंपोनेंट क्लास क्या है, सुपर क्लास है सबकी, सबकी पेरेंट क्लास है। तो कंपोनेंट क्लास का चाइल्ड क्लास होगा लेबल। और इम्प्लीमेंट करें हम एक्सेसिबल, ये इंटरफेस होता है। अब फील्ड्स कौन कौन से होते हैं जावा डॉट ए डब्ल्यू टी कंपोनेंट क्लास के, स्टेटिक सेंटर, स्टेटिक लेफ्ट और राइट। मतलब ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि लेबल को हम स्क्रीन पर लगाएंगे कहाँ पर, सेंटर में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, राइट में। जैसे हम जस्टिफाई करते हैं ना इसमें एमएस वर्ड के अंदर हम, कि टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है या सेंटर में रखना है, बिल्कुल वैसे ही। अगर हम सिर्फ लेबल मेथड यूज करेंगे तो ये एक एम्प्टी लेबल बनाएगा, और लेबल के अंदर हमने स्ट्रिंग टेक्स्ट पास किया तो ये टेक्स्ट के साथ और इसके साथ में अलाइनमेंट भी दिया, तो ये अलाइनमेंट के साथ कि लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में क्या रखना है। बटन, बटन में क्या होता है, एक बटन बनता है इसके अंदर। तो बटन क्या होता है, एक कंट्रोल कंपोनेंट होता है। मतलब लेबल क्या था, पैसिव कंपोनेंट था, लेकिन बटन क्या होता है, एक्टिव, ये कंट्रोल कंपोनेंट होता है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ इवेंट जनरेट होती है। लेबल पर कोई इवेंट जनरेट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये कंट्रोल कंपोनेंट होता है दैट हैज़ ए लेबल एंड जनरेट एन इवेंट। इनके ऊपर भी एक लेबल होता है, किसी बटन का नाम तो होता है कुछ ना कुछ, और जब हम क्लिक करते हैं बटन पर तो इवेंट जनरेट होती है, जब प्रेस करते हैं बटन को। तो वेन अ बटन इज प्रेस्ड एंड रिलीज्ड, ए डब्ल्यू टी सेंड्स एन इंस्टेंस ऑफ एक्शन इवेंट टू द बटन बाई कॉलिंग प्रोसेस इवेंट ऑन द बटन। द बटन प्रोसेस इवेंट मेथड रिसीव ऑल इवेंट्स फॉर द बटन। इट पासेज एन एक्शन इवेंट अलोंग बाई कॉलिंग इट्स ओन प्रोसेस एक्शन इवेंट। मतलब जब भी प्रेस करेंगे बटन को तो एक इवेंट जनरेट होगी, और इवेंट जो जनरेट होगी उसको हम पास करेंगे, इवेंट लिसनर होता है। इवेंट लिसनर को पास करेंगे, इवेंट लिसनर है वो उस इवेंट का जो रिजल्ट होगा, जो रेस्पॉन्स होगा, वो जनरेट करेगा। अगर कोई एप्लीकेशन कुछ परफॉर्म करना चाहता है, कोई एक्शन बेस्ड ऑन अ बटन बीइंग प्रेस्ड एंड रिलीज्ड, इट शुड इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर एंड रजिस्टर द न्यू लिसनर टू रिसीव इवेंट्स फ्रॉम दिस बटन। इस बटन के साथ हम कोई एक्शन लिसनर है उसको रजिस्टर करेंगे। बाई कॉलिंग द बटन्स एड एक्शन लिसनर मेथड, द एप्लीकेशन कैन मेक यूज ऑफ द बटन्स एक्शन कमांड एज ए मैसेजिंग प्रोटोकॉल। क्लास डिक्लेरेशन कैसा रहेगा, पब्लिक क्लास बटन,
एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट्स एक्सेसिबल। कैसे बनाएंगे? बटन मेथड होता है सिंपली बटन, तो बटन बना देगा लेकिन वो एम्प्टी रहेगा, उसके ऊपर कुछ नाम नहीं रहेगा। अगर नाम देना तो बटन और ब्रैकेट में स्ट्रिंग और टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, इसमें टेक्स्ट में उस बटन का नाम रहता है। चेकबॉक्स, चेकबॉक्स भी क्या होता है? ग्राफिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं ट्रू या फॉल्स बताने के लिए, ठीक है। उसको अगर चेक कर देंगे तो ट्रू माना जाएगा और नहीं करेंगे तो फॉल्स। जैसे आपसे पूछे कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेज जानते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, ऐसी लैंग्वेजेज है, तो आप हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, दो को आपने चूज किया तो दो सेलेक्ट हो गए, मतलब दो लैंग्वेजेज आपको आती है, तो जैसे आप चेक करोगे वो ट्रू माना जाएगा। आपने देखा होगा जो राइट का क्लिक लगता है उस पर। पब्लिक क्लास चेकबॉक्स, ये भी एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट को और ये इम्प्लीमेंट करेगा आइटम सेलेक्टेबल और एक्सेसिबल दो इंटरफेसेस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम क्लास को यूज करते हैं तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, और इंटरफेस को करेंगे तो इम्प्लीमेंट्स। और आपको इंटरफेस और क्लास का पता होगा, इंटरफेस भी क्या होती है? क्लासेज ही होती है, पर ये किस तरह की होती है? प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज। इसका मतलब, प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब, इनका खुद का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, इनको किसी ना किसी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर जो चाइल्ड क्लास होगी वो ऑब्जेक्ट बना के इनके मेथड्स को काम में लेगी। चेकबॉक्स सिंपली बनाएंगे तो बिना किसी नाम के चेकबॉक्स आ जाएगा, ब्रैकेट में स्ट्रिंग लेबल पास कर दिया तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, फिर उसके अंदर बूलियन स्टेट भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट किसी को ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है, तो हम उसको बूलियन स्टेट भी दे सकते हैं। चेकबॉक्स में लेबल, बूलियन स्टेट और चेकबॉक्स ग्रुप भी हम बना सकते हैं। चेकबॉक्स स्ट्रिंग, चेकबॉक्स ग्रुप, चेकबॉक्स का ग्रुप भी हम बना सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा चेकबॉक्सेज होंगे, जैसे कि मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेजेज है। लिस्ट, तो इसमें जो आइटम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनती है जिनको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। लिस्ट ब्लैंक है तो उसमें न्यू स्क्रॉलिंग लिस्ट बनाएगा। INT रोज देंगे तो स्क्रॉलिंग लिस्ट होगी जो इनिशियलाइज होगी विद दी स्पेस लाइन। टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड होता है उसके अंदर हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, जैसे आप होम वगैरह कुछ फील करते हो तो देखा होगा एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो वो क्या होते हैं? टेक्स्ट फील्ड होते हैं। टेक्स्ट फील्ड में ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो न्यू टेक्स्ट फील्ड आएगा। टेक्स्ट फील्ड में INT कॉलम्स दिया हुआ तो कंस्ट्रक्ट करेगा न्यू एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर स्ट्रिंग टेक्स्ट दे दिया तो उसमें कुछ टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट एरिया होता है, टेक्स्ट एरिया में खूब सारा टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, इसलिए इसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। टेक्स्ट एरिया ब्लैंक रखेंगे तो कुछ भी नाम नहीं आएगा, उसमें रो और कॉलम भी दे सकते हैं, उसका नाम भी दे सकते हैं, नाम के साथ रो और कॉलम भी दे सकते हैं। चॉइस, चॉइस कंट्रोल हम यूज़ करते हैं शो पॉपअप मेन्यू ऑफ चॉइस, सेलेक्टेड चॉइस इज शोन ऑन दी टॉप ऑफ द मेन्यू। चॉइस कंट्रोल इज यूज टू शो पॉपअप मेन्यू ऑफ द चॉइस, सेलेक्ट चॉइस इज शोन ऑन द टॉप ऑफ द मेन्यू, तो जो पॉपअप मेन्यू खुलता है उसके लिए हम चॉइस कंट्रोल यूज़ करते हैं। कैनवास, कैनवास जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर एरिया, वहाँ पर एप्लीकेशन है वो कुछ ड्रॉ कर सकता है और रिसीव कर सकता है किसी भी यूजर के द्वारा जो इनपुट क्रिएट किया गया है। इमेज कंट्रोल होता है, वो सुपर क्लास होता है ऑल इमेज क्लासेस का, और ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल इमेजेस। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार कंट्रोल करता है, रिप्रेजेंट अ स्क्रॉल बार कंपोनेंट इन ऑर्डर टू इनेबल यूजर टू सेलेक्ट फ्रॉम रेंज ऑफ वैल्यूज। डायलॉग कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है टॉप लेवल विंडो विद अ टाइटल एंड अ बॉर्डर यूज टू टेक सम फॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इवेंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।
आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ सुझाव आपके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।